नमस्कार देवियों सज्जनों, दिस इज भीष्म नारायण, डिजिटल नेटवर्कर एंड फ्रीडम कोच। दोस्तों, द स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी, जो एक बहुत जबरदस्त वेब सीरीज है, मैं उस वेब सीरीज से 5 जबरदस्त लर्निंग्स लेकर आया हूं इस वीडियो की सीरीज में। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंत तक ठहरते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो मैं आपको एंड में एक जबरदस्त बोनस टिप भी दूंगा, जो आपकी लाइफ में आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, जो 5 लर्निंग्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ये 5 लर्निंग्स न सिर्फ आपको बिजनेस में, आपके करियर में ग्रो करने के लिए जरूरी है, बल्कि आपके लाइफ में भी ग्रोथ देने में बहुत जबरदस्त होने वाली। लर्निंग नंबर 1 की तरफ चलते हैं। लर्निंग नंबर 1 कहता है कि लाइफ में रिस्क लेना कंपलसरी है सक्सेस के लिए, क्योंकि हर्षद मेहता इस वेब सीरीज में बार बार कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। मींस, एक कॉमन मैन सक्सेस के लिए लाइफ में हमेशा सिक्योरिटी ढूंढता है, वही अनकॉमन मैन उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। सक्सेस के लिए आपको रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिस्क लेने का मेरा यह कतई मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंड गेम को खेल जाओ। रिस्क लेने का मेरा कतई मतलब नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार हो जाओ। रिस्क लेने का मेरा कतई मतलब नहीं है कि आप इसे जुआ बने। रिस्क के पीछे के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। सो टू से, एक ट्रेंड माउंटेन क्लाइंबर और एक नौसिखिया माउंटेन क्लाइंबर, दोनों के लिए ही माउंटेन क्लाइंबर रिस्की है, लेकिन यही ट्रेंड माउंटेन क्लाइंबर के लिए एक्ट रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकिंग है। रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकिंग डिपेंड करता है नॉलेज पे, ट्रेनिंग पे, केयरफुल स्टडी पे, कॉन्फिडेंस पे और कॉम्पिटेंस पे। सीरीज में हर्षद मेहता यह भी कहते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम जोखिम नहीं लेने में है। मींस, आप रिस्क नहीं ले रहे हो ना, तो लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग एंड हैज नथिंग इज नथिंग। आपको रिस्क लेना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, टेक रिस्क बट डू नॉट गैम्बल। चलते हैं हम लोग सेकंड लर्निंग्स की तरफ, और सेकंड लर्निंग्स अकॉर्डिंग टू मी इज कैरेक्टर। कैरेक्टर कहने से मेरा मतलब सिर्फ सेक्सुअल मोरालिटी से नहीं है। कैरेक्टर इज सम टोटल ऑफ अ पर्सन्स वैल्यूज, बिलीव्स, करेज, एथिक्स, इंटीग्रिटी, पर्सनालिटी। यह आपके एक्शन और बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी होता है। आखिर ऐसा क्या है कि लोग कामयाबी को तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी कामयाब लोग को पसंद नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूं। अगर कोई एक एवरेज पर्सन एवरेज सक्सेस को ब्रेक करके एक बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर लेता है, तो उससे जलन करने वाले लोगों की एक अलग ही जमात खड़ी हो जाती है। लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसकी टांग खींचने लगते हैं, और एक अलग ही तरीके पे एक अंडर अचीवर्स की फौज खड़ी हो जाती है उनसे ईर्ष्या करने के लिए और उस सुपर सक्सेसफुल पर्सन को डंप करने के लिए। आपने भी ये फील किया। स्कैम 1992 हमें सिखाती है कि एम्बिशन बहुत ज्यादा रखो, लेकिन कभी लालच में मत पड़ो। पैसे बहुत कमाओ, लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं। अपने एम्पायर को अगर बिल्ड करना है, तो हमेशा एथिक्स के बेस पे अपने एम्पायर को बिल्ड। चलते हम लोग तीसरे लर्निंग की तरफ, और ये तीसरा लर्निंग मेरा पर्सनली फेवरेट लर्निंग है। और तीसरी लर्निंग कहती है, एंटरप्रेन्योर बनो। जॉब करना बुरी बात नहीं है, जॉब करो सीखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अपना बिजनेस जरूर करो। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो ना अपना, तो आप बहुत कुछ अचीव करने के लिए पूरा आसमान आपके सामने खाली होता है। देवियों सज्जनों, हर्षद मेहता इस वेब सीरीज में कहते हैं कि हम अपना दिमाग यूज करते हैं दूसरों की जेब भरने के लिए, और बड़े लोगों का गेम ना हम बाहर से देखते हैं और तालियां बजाते हैं, हम गेम क्यों नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों, हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें भी बिजनेसमैन बनना है, हमें भी सुपर सक्सेसफुल पर्सनालिटी अगर बनना है, तो हमें क्या करना है, हमें इस गेम में उतरना पड़ेगा। जॉब ज्यादा दिन मत करो, जॉब के पीछे ज्यादा दिन मत भागो, क्योंकि अगर आप जॉब करोगे ना, तो आप एंटरप्रेन्योर की तरह लाइफस्टाइल नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आप किसी अच्छे जॉब को
के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें भी आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बना दूंगा और जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत आगे काम करेगी। देवी हम सज्जनों, जॉब से ज्यादा किसी का कुछ भला नहीं हो पाता, क्योंकि जॉब वह ब्राइबरी है, वह घूस है जो आपको अमीर नहीं बनने के लिए दी जाती है। इसीलिए ऐसा कहा है धीरू भाई अंबानी ने कि अगर आप अपने सपनों का चुनाव नहीं करते हैं, अगर आप अपने सपनों का चुनाव नहीं करते हैं तो कोई दूसरा अपने सपने पूरे करने के लिए आपका चुनाव करता है। द क्रक्स ऑफ दिस लर्निंग इज आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप बिजनेसमैन बनो। और इस बिजनेसमैन बनने में, एंटरप्रेन्योर बनने में सबसे बड़ी बात यह है कि आप 50 साल की दौलत 5 साल में कमा सकते हो। आप अगर अपने एनुअल इनकम को मंथली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप एंटरप्रेन्योर जरूर। चलते हैं हम लोग चौथी लर्निंग की तरफ, और ये चौथी लर्निंग तीसरी लर्निंग से कनेक्टेड है। एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आपको फास्ट मूवर बनना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीता सबसे तेज दौड़ता है। लोग पैसा घोड़े पे लगाते हैं, बट चीता इज द फास्टेस्ट। फास्ट अचीवर आपको बनना है, यह बात हमेशा ध्यान में रखना है। विवेक बिंद्रा जी, जो हमारे देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि फास्ट मूवर ही सबसे बड़ी सक्सेस लेता है, और हमें फास्ट मूवर बनना है। एंटरप्रेन्योर बनने के बाद हमारा नेक्स्ट फोकस फास्ट मूवर बनने पर है। चलते हैं हम लोग फिफ्थ लर्निंग की तरफ, और फिफ्थ लर्निंग कहती है कि आपको टीम बनानी है, और टीम बिल्डिंग क्वालिटी बहुत जरूरी है आपके सक्सेस के लिए। हर्षद मेहता इस वेब सीरीज में कहते हैं कि मैं इतिहास बनाना चाहता हूं, और इतिहास हिस्ट्री ऐसे नहीं बनती है, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप देखो ना, जितने लोगों ने लाइफ में सक्सेस ली है, बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करी है, उनके अंदर बहुत बड़े समूह को साथ लेकर चलने की एबिलिटी है। या वो महात्मा गांधी हो, या वो सुभाष चंद्र बोस हो, या वो रतन टाटा हो, या वो धीरू भाई अंबानी हो, या वो मार्क जुकरबर्ग हो, या वो जेफ बेजोस हो, दुनिया की कोई भी सुपर सक्सेसफुल पर्सनालिटी को अगर आप पिक करोगे ना, तो उनके अंदर ये एबिलिटी, ये क्वालिटी आपको बहुत कॉमन मिलेगी, टीम बिल्डिंग की क्वालिटी। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों के साथ अपना एक अच्छा व्यवहार बनाना है, हमें लोगों के साथ एक अच्छे संबंध बनाने हैं, और एक अच्छा संबंध बनने की नींव पर ही हम लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। लोगों को साथ लेकर चलने के लिए हमारे पास होना चाहिए पर्सुएशन स्किल, हमारे पास होना चाहिए लीडरशिप स्किल, हमारे पास होना चाहिए पीपल स्किल, और हमारे पास होना चाहिए लोगों के साथ दिल से दिल की बात करने की क्वालिटी, हमारे पास होनी चाहिए इंपैक्ट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा इस वीडियो के अंत में, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो नई वीडियोज आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपके साथ मैं ये वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी मनी मेकिंग पे डालता रहूंगा, और जो बोनस टिप मैं आपको देने वाला हूं वह बोनस टिप है, आप अपने इमेज को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि इस स्टोरी में मैंने एक चीज सीखी, इस वेब सीरीज में मैंने एक चीज सीखी कि आपका फेस वैल्यू बहुत काम करता है। योर फेस वैल्यू इज योर नेट वर्थ। इस वेब सीरीज में कहा गया है कि अगर आप किसी का काम खराब नहीं कर सको ना तो उसका नाम खराब कर दो, क्योंकि नाम खराब हो जाने से उसका मार्केट में भरोसा खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप अपने इमेज को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहिए। सो देवियम सज्जनों, यहां पे हमारे वीडियो की सारी लर्निंग्स कंप्लीट होती है। दिस इज भीष्म नारायण साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।